जिसने मुझे कमेंट किया एक वीडियो पे, 10 रुपए की जीके की बुक में आते हैं ये क्वेश्चंस, कंपटीशन के एग्जाम में नहीं, तो बस क्वेश्चन का लेवल बताया है मैंने, क्वेश्चन के लेवल मॉडरेट, हार्ड, इजी, ये सारे देखे थे। 2 मिनट में इसने अपनी कमेंट डिलीट कर दी। सो हाय गाइस, सुबह के बज रहे 3 एंड मेरे पास इतने सारे नोट्स हैं आज के रिविजन के लिए, मतलब पहले 2 घंटे जाने वाले हैं रिविजन में, मतलब बहुत सारे नोट्स हैं एंड सब में अलग अलग गवर्नमेंट पॉलिसीज। एवरीवन, हेलो, हाउ आर यू, कैसे हो आप सारे लोग? थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो एंड फॉर बीइंग हियर। सो अभी सुबह के बज रहे हैं 3, आई जस्ट वोक अप एंड मैंने कोई भी उठने की क्लिप वगैरह शूट नहीं की थी बिकॉज आज मेरे को बहुत ज्यादा सीरियसली काम करना है अपनी चीज़ों पर। सो वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट डायरेक्टली एंड थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग अगेन। अब स्टार्ट करते हैं अपना डे रूटीन एंड देखते हैं आज हम क्या क्या करने वाले हैं। रात मेरे को ब्लैंकेट ओढ़ना पड़ा था और मुझे लग रहा है अभी भी ओढ़ के बैठना पड़ेगा, इतनी ज्यादा ठंड लग रही है यार, सुबह सुबह बहुत ठंड लगती है। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं अपना रिविजन स्लॉट। किस किस को ठंड लगने लगी और ऐसे लिपट के पूरा कंबल बिस्तर में आप पढ़ाई करते हो, मेरे को कमेंट करके बताना जरूर। तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं अपने रिविजन के स्लॉट पे और मिलते हैं आपसे इसके बाद, फिर देखेंगे आज क्या क्या चीजें हैं, कैसे आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हो सारी जो भी आप चीजें बनाते हो ना, टू डू लिस्ट एंड ऑल, सो कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि बनाना इज अ वेरी इजियर टास्क। और जो बोलते हैं कि आप रिविजन कैसे करते हो, थोड़ा सा गुनगुना के ना। फार्मर्स, उसमें जो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज को हम अडॉप्ट कर सकते हैं फॉर बेटर फार्म इम्प्लीमेंटेशन, बेटर प्राइस रियलाइजेशन। सो मैंने इसमें ना बस ये लिखी थी जो मैंने पढ़ी थी एंड उसमें आप कैसे यूज़ कर सकते हो, कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ये आप अपनी क्लास लेने के बाद खुद से बनाया करो, तभी आपको जो है वो आपका जो मतलब बोलते हैं ना कंटेंट क्रिएशन जो होगा वो तभी होगा, क्योंकि कंटेंट इज हाईली रिक्वायर्ड व्हेन वी राइट आंसर राइटिंग। सो डू दिस टेक्निक इफ यू वॉन्ट टू डू, प्लीज डू दिस बिकॉज ये आपको बहुत हेल्प करेगी। हे एवरीवन, डन विद माय फर्स्ट स्लॉट एंड रिविजन हो चुका है। रिविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो मेरा मॉर्निंग का जो रहता है ना वो रिविजन के लिए रहता है बेसिकली। एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय सेकंड स्लॉट, जिसमें हम करेंगे अपनी जो 2 क्लासेस है मेरी वो करनी है मुझे। सो इट विल टेक अराउंड 4 आवर्स, बट बीच में क्योंकि ब्रेकफास्ट लेना है एंड देर आर सो मेनी अदर ब्रेक्स, सो आई थिंक इसमें मेरे को 5-6 घंटे लग जाएंगे, यानी अपना दोपहर हो जाएगी। सो अभी क्लासेस लेंगे, फिर नोट्स मेकिंग करनी है, सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। सो चलो गाइस, अभी दोपहर तक का तो अपना सेट है कि करना क्या क्या है, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होगा। और ये है मेरी सबसे बड़ी समस्या, पढ़ने बैठ जाओ और फिर पेन का रखा था यही ध्यान नहीं रहता, बस फिर पेन ही ढूंढते रहो, मैंने रखा कहा था, और सेम मेरे साथ ऐसा हो, मेरे साथ ना ऐसा बहुत होता है, मतलब पेन रखा था अभी पढ़ते पढ़ते कहीं और फिर मिलता ही नहीं है। चलो खैर छोड़ो। सो गाइज, इसके बाद मैंने स्टार्ट कर दी अपनी क्लास एंड सबसे पहले तो क्लास में सर एक्सप्लेन करते हैं सिंपली एंड देन यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स। जो भी मटेरियल मिला होता है उस पर एक साइड में ना ऑप्शन होते हैं, आप मतलब वहाँ पे ना स्पेस होता है कि आप अपने जो भी आपको कीवर्ड्स ऐड करने हैं या जो भी चीज़ें आप लर्न कर रहे हो या कहीं से ऐड कर रहे हो चीज़ें, वो उस पर आप लिख सको एंड फॉर लास्ट टाइम रिविजन यू कैन गेट एक्सेस टू ऑल द इम्पॉर्टेंट डेटा एंड केस स्टडीज एंड ऑल। सो वही किया मैंने, पहले क्लास देखी, फिर जो भी मेरे को लग रहा था इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन शुरू कर दी। दिस इज़ हाउ आई एम टेकिंग माई क्लासेस एंड फिर उसके बाद मैंने अपनी जो प्रिंटेड मटेरियल था, मतलब जो भी क्लास का मिलता है वो उठाया एंड उसके बाद मैंने राइट डाउन करना शुरू कर दिया इम्पॉर्टेंट केस स्टडीज़, एग्जाम्पल्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, पॉलिसीज़। सो यस, अपना ये वाला क्लास कर रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है, तो इसको इन्जॉय करते हैं। स्मूथ चल रहा है। सो जब तक मैं पानी वानी पियूं, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, दिवाली पर हर जगह ऑफर्स मिल रहे हैं, शूज पे ले लो, क्लोज पे ले लो, एसेसरीज पे ले लो, बट वाई नॉट ऑन स्टडी मटेरियल। इसी के लिए फिजिक्स वाला लेकर आया है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए सभी बैचेस पर स्पेशल ऑफर। फाउंडेशन बैच के लिए अगर आप देख रहे हो तो प्रहार 2024 के लिए जिसकी कोस 6999 है, वहीं 2025 के लिए संकल्प और टाइटन बैच है 9999 में, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। अगर आप ऑप्शनल बैचेस के लिए देख रहे हो तो आपको सिर्फ 7999 में अपने ऑप्शनल बैचेस मिल जाएंगे। इसी के अलावा
कॉम्बो बैचेस भी ऑफर में अवेलेबल हैं, जैसे आप संकल्प 2025 और ऑप्शनल बैच को साथ में ले सकते हैं 16,499 में, और टाइटन 2025 को भी सेम प्राइस पे। इसके अलावा IDPM 3.0 है जिसमें इंटीग्रेटेड डेली MCQs एंड मेन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीजेस भी हैं 10,700 में। और इसी के अलावा अगर आपको ऑनलाइन को समझ नहीं आता, आप ऑफलाइन ज़्यादा जाना प्रेफर करते हैं, तो इनके ऑफलाइन सेंटर भी हैं दिल्ली, लखनऊ और पटना में। सो इफ़ यू विल यूज़ माय कोड देन यू विल गेट दिस दिवाली डिस्काउंट। सो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन एंड जो भी मेरा कोड है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सो अगर आप भी डिस्काउंट के साथ अपनी बैचेस लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गो एंड नाउ चेक ऑल द रिलेटेड लिंक्स एंड द डिटेल्स। बाहर मौसम देखो, अभी गाइस 1 बज रहा है एंड आप मौसम देखो कितना नॉर्मल है, मतलब धूप ही नहीं निकल रही है। गाइज मेरा लेक्चर अभी फिनिश हुआ है एंड आज मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। सो गाइज अब हम करेंगे अपना लंच बनाएंगे। सो चलते हैं किचन में, बहुत सारी सब्जियां मंगाई थी तो वो अभी तक बनी नहीं है, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बनाया गाइज मैंने। भिंडी है और अरबी है, मतलब बहुत सारी सब्जियां हैं। तो अभी मेरा मन कर रहा है भिंडी खाने का, उस दिन भी मन कर रहा था बट टाइम नहीं मिला था, बट आज हम भिंडी बनाएंगे। बट उससे पहले मुझे पीनी है चाय, क्योंकि मैंने चाय भी नहीं पी है। सुबह का ब्रेकफास्ट आपने देख ही लिया था, चाय थी नहीं एंड चाय मिसिंग हो ना डे में तो एनर्जी बहुत डाउन हो जाती है। तो जल्दी बनाते हैं चाय फिर अपना। दिस गर्ल ये अभी तक सो रही है क्योंकि ये कल रात पढ़ रही थी। चाय पिएगी? ये देखिए गाइस सर्दियों के असली मजे ये ले रही है। चाय पिएगी? ओके गाइस आ गए हम अपनी किचन में। सबसे पहले विंडो ओपन करेंगे, खुल जा, अब आएगी ठंडी ठंडी इधर से हवा। ये देखो ये है हथियार खोलने का, इसको रखते हैं साइड में, पहले हम बनाते हैं चाय। अब ये देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सारे बर्तन गंदे रखे हैं, मैं चाय किस में बनाऊं? अब इसको धुलना पड़ेगा पहले। तो बर्तन मैंने छोड़ दिए ऐसे ही। मैं आज की क्लास में वाटर के स्टैट्स पढ़ लिया एंड इतनी बड़ी समस्या है तो मैं सोचा थोड़ा सा पानी हम भी बचा लेते हैं, ऐसे बचाते हम पानी। याद से हटके मैंने इसलिए नहीं छोड़े कि पानी की कमी है या कुछ ऐसा पढ़ लिया है, बट शिखा उठ के धुलेगी ना, हम क्यों धुलेंगे। मैंने चाय बनी रख दी, अभी मुझे भिंडी काट के रखनी है, प्याज काट के रखनी है, टमाटर काट के रखने है, मतलब पूरा शेफ बनना है। तो जल्दी जल्दी से सारी चीजें निपटाते हैं। चलो भैया चाय भी हमारी बन गई है, बट अब इसमें एक चीज की कमी है, वो है अदरक की। सर्दियों में बिना अदरक के चाय में मजा नहीं आता, तो हम डालेंगे इसमें अदरक। सो गाइज ये तो मैंने अच्छे से धुल के रख दिए हैं, ये मैंने अच्छे से ही धुले हैं, बट ये काफी दिन से रखी थी ना तो इस पे ऐसा काला काला सा रह गया है, बट ये ऑलरेडी काफी क्लीन है, मतलब मैंने अच्छे से क्लीन करी है। चाय बन गई, अदरक डालेंगे। तो दोस्तों जब तक मेरी चाय अच्छे से पक जाती है तब तक मैंने सोचा सब्जियां काट के रख दूं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत ज्यादा भूख लग रही है एंड इससे लेट और क्या ही लंच होगा। मेरी आंखों में आ गए बहुत सारे आंसू, इसलिए प्याज को कभी भी नहीं काटना चाहिए, कटवा लेना चाहिए किसी से। शिका को देते हैं और हम भी पी लेते हैं। आज का व्लॉग हम बस इतना ही रखते हैं, बट यहाँ पर एक बंदे को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, वो कमेंट की थी उसने कुछ, तो मैंने उसको रिप्लाई किया ना। आप ना ध्यान से सुनना, अगर आपको कोई चीज मतलब लोग परेशान करते हैं ना, आप उनको बात को पकड़ के बैठ जाते हैं, अपने गोल्स वोल्स छोड़ देते, तो आज का ये वाली क्लिप जरूर देख लेना, बहुत सही है। अगर आपको कोई कुछ बोल देता है और आप डिमोटिवेट हो जाते हो ना, तो ये वाली छोटी सी क्लिप देख लेना ध्यान से। मेरे को एक बंदे का कमेंट आया, मेरा ध्यान चला गया, मुझे कमेंट किया एक वीडियो पे, 10 रुपए की जीके की बुक में आते हैं ये क्वेश्चंस कंपटीशन के एग्जाम में नहीं। अच्छा ये वो वाली वीडियो की बात कर रहा है जिसमें मैंने शॉर्ट वीडियो में बोला था फर्स्ट IPS लेडी है ना, फर्स्ट IAS इस टाइप की। ठीक है भाई मान ली बात, नहीं आते तो मैंने उसको रिप्लाई करा, क्या कंपेरिजन क्या है एजुकेशन का 10 रुपए से। नाउ डोंट से मैंने ये नहीं कहा, ये वो लोग करते हैं ना ऐसा बोलने के बाद अपने आप को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं कि अपनी जो इमेज है वो अच्छी रहनी चाहिए, और ये तो फिर भी सोशल मीडिया है। फिर मैंने इसको लिखा कि नाउ डोंट से मैंने ऐसा नहीं कहा, ये वो कीप इट अप गुड गोइंग, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई तुम कुछ भी सोचो। फिर मेरे को इसका रिप्लाई आता है, आपको स्क्रीन पर सब चीज दिख जाएगी, मैंने तो बस क्वेश्चन का लेवल बताया है। भाई लेवल बताने के लिए काफी सारे तरीके हैं, मैंने क्वेश्चन के लेवल मॉडरेट हार्ड इजी ये सारे देखे थे। 10 रुपए का 20 रुपए का क्वेश्चन तो मैंने देखा नहीं, एंड आई थिंक आपने भी देखा होगा, देखा है क्या किसी ने, कमेंट करके बता देना।
मैंने तो बस क्वेश्चन का, तो ये इसके क्वेश्चन का लेवल है 10 रुपए 20 रुपए, ठीक है चलो होगा। फिर मेरे को बोलता है पहले आप ढंग से बात को पढ़ना सीखो, तू ढंग से बोलना नहीं सीख पा रहा, मैं तेरी बात ढंग से कैसे पढ़ लूँ जब तूने बोली बेढंग तरीके से। चलो ठीक है, हर बंदा दूसरे को दिखाना चाहता है नीचा आज के डेट में। चलो ठीक है, मैंने क्वेश्चन का लेवल बताया है कि आज के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, तो मैंने तो कहा ही नहीं कि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आएगा, आप इसको पढ़ लो, ऐसा कहा था क्या मैंने? शॉर्ट में कहा हो तो प्लीज बताना। फिर मैंने कमेंट किया, हाँ भैया घूम फिर के वही आ गया, मैंने इसमें कब बोला कि आएगा पेपर में? बाय द वे आई विल पिक योर कमेंट फॉर वीडियो सो डोंट डिलीट इट। मैंने ये चीज जान के बोली थी कि भाई बंदा अगर इतना अच्छे से बोल रहा है कोई चीज पर टिका हुआ है तो उस पर टिका रहना चाहिए, तभी तो आप हो भाई कुछ। और ये जो मैंने बोला था ना कि कमेंट डिलीट मत करना, भैया मैंने जान के बोला था, मैं बहुत कूल हूँ स्मार्ट हूँ, मेरे को पता है तू डिलीट करेगा, उससे पहले सारे स्क्रीनशॉट ले लिया। तो ये नीचे वाली लाइन मैंने जान के लिखी, तो भाई मैं क्या घूम फिर के तू फिर वहीं आ गया। तो फिर ये कहता है मैंने भी ऐसा नहीं बोला कि एग्जाम में आएगा या नहीं, बस बताया कि किस बुक में आते हैं ये क्वेश्चन। मैंने भी ऐसा नहीं बोला कि एग्जाम में आएगा या नहीं, भाई तेरी कमेंट है, अपनी कमेंट तो ढंग, मतलब अभी तू 2 सेकंड पहले लिख रहा है वही चीज और 2 सेकंड बाद उसको डिनाई कर रहा है कि मैंने नहीं बोला। क्या यार क्या इंसान है, इसका नाम है सुमित सिंह। फिर ये बोल रहा है कि आई विल नॉट डिलीट इट प्लीज डोंट। अब देखो जो मेरी रिस्पोंडेड कमेंट थी मैंने उसमें जाके देखा ना, अगली 2 मिनट में इसने अपनी कमेंट डिलीट कर दी। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ दीज काइंड्स ऑफ पीपल। सो अगर आपको भी कोई ऐसे लोग मिल रहे हैं जो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आजकल हर बंदा अपने आपको ऐसा दिखाना चाह रहा है कि यार ये क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम ये तो, और एक बोल रहा है कि कोई ये क्वेश्चन बता के कोई कूल नहीं बन जाता है, तो भाई क्या ही लेवल पे आप लोग सोच रहे हो, मेरे को नहीं पता ना मेरे को लेना देना। तो अगर मेरा वीडियो में दिखाने का ये मोटिव है, अगर आपको कोई इस तरीके से डिमोटिवेट करने की कोशिश करता है तो वे सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं जो आपको ये चीज़ें बोल रहे हैं, उनको कुछ नहीं। अगर सच में कुछ ऐसा होता ना कि कोई बोल रहा है वो चीज़ हमें सोच के दिल पे लेके बैठ जाना चाहिए, तो ये बंदा डिलीट ही नहीं करता कमेंट, ये तो सही है ना। तो अब कोई भी बोले स्टॉप नहीं करना है कुछ भी, और ऐसे फालतू लोगों को अब कुछ बोल तो सकते नहीं, अपनी भी एथिक्स है, तो बस इग्नोर करो। एंड सच बताऊं ना, मैं फालतू के लोग भरे पड़े हैं, मेरे पास मेल आते हैं, इन्हीं लोगों के मेल आते हैं, हमारा चैनल प्रमोट कर दो, मैं आपको सैकड़ों मेल मेरे पास पड़े, अगर नहीं कर रहे ना तो ये हरकतें करते हैं। तो चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो एक चीज और, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ कम्युनिटी, ना मुझे ऐसे लोग चाहिए, ये ऐसे क्या बोलते हैं टॉक्सिक पीपल्स नहीं होनी चाहिए लाइफ में, अगर आपकी में है तो बाहर फेंको निकाल के। और अगर जो भी मुझे वीडियो में देखता और ये फालतू कमेंट करता ना, डोंट नीड टू वॉच माई वीडियोज, कुछ भी देखो आपके लिए बहुत चीजें बनी हुई हैं, जाओ जाओ बहुत चीजें मिल जाएंगी, आप समझ गए होंगे क्या चीजें मैंने बोली है, वो सारी चीजें आपके लिए, ये नहीं है आपके लिए। मतलब आप क्या यार, आपका स्टैंडर्ड कहाँ है, आप ये टाइप की वीडियो देख रहे हो, पढ़ाई क्वेश्चन, नो 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 नो।